शुभ हो। आप इतनी हैरान क्यों है देवी? ये आप ही का तो आश्रम है। अरे देवी का गुस्सा मत समझो। देवी ने तुम्हें तुम्हारी किसी गलती की सजा दी है। धन्य समझो खुद को और इसे अपनी किसी गलती का प्रायश्चित मानो। देवी कहां गई आप? देवी 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 कहां है आप? पापा पापा का रथ बंद करो। अब तुम यही रहोगी हमारे साथ हमेशा के लिए। और अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया और मेरी और देवगुरु की बात नहीं मानी, हम तुम्हारे पापा को जान से मार डालेंगे। माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब क्या अपने पापा को भी खोना चाहोगी? नहीं ना? गुड गर्ल, अब ऐसे ही मेरी बात अच्छी तरह से मानोगी ना, तो हम तुम्हें और तुम्हारे पापा को जिंदा रहने देंगे। देवी, देवी कहाँ हैं आप? देवी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? देवी, 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 देवी कहाँ हैं आप? देवी जी कहाँ हैं आप? देवी, 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 देवी कहाँ हैं आप? देवी कहाँ हैं आप? देवगुरु, देवी ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? हाँ देवगुरु, वो तो देवी है ना, तो फिर ऐसे डरकर क्यों भागी? जो देवी मुझे जलती चिता से बचा सकती है, तो फिर वो डर के क्यों भागेंगी? दरअसल वो हमें अपनी लीला दिखा रही है, कौतुक कर रही है हमारे साथ। भगवान कृष्ण के बचपन को जानते हो ना तुम सब लोग? भगवान थे लेकिन बहुत शरारती थे, मक्खन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, और यशोदा मैया के साथ उनका रूठना मनाना तो चलता ही रहता था। एक बार माँ यशोदा को उन्हें ओखली से बांधना पड़ा। रिमेंबर? जी देवगुरु। धर्म की स्थापना तो उन्होंने बड़े होकर सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में की थी, तो फिर देवी को भी थोड़ा वक्त लगेगा ना। जब देवी ने मुझ पर सिंदूर फेंका था तो दिल टूटा था मेरा, लेकिन फिर क्या हुआ,
वो खुद मेरे पास वापस आ गई आश्रम में। तभी मैं समझ गया था ये रूठना मनाना भक्त और भगवान के रिश्ते को और भी मीठा और मजबूत बनाता है। कभी हम भगवान को परखते हैं तो कभी वो हमारा इम्तिहान लेते हैं। देवी अभी बाल रूप में है, अभी तो उन्हें 12 साल का घोर तप करना होगा, जिसमें वो अपने अंदर के इंसानी रूप को छोड़ के अपने अंदर की देवी को अपनाएंगी। क्योंकि वो जानती हैं कि इंसानी दुनिया में रहने के बाद इंसान की सोच समझ की एक अपवित्र परत उनके मन मस्तिष्क में जम गई है। इंसानी दुनिया के नफरत जो उन्हें छू गए हैं, उनसे उनका शुद्धिकरण करना होगा। इसीलिए देवी के इस बर्ताव को वैसे ही देखो जैसे भगवान कृष्ण के बचपन को देखा था। जैसे एक झोरी हीरे को तराशता है, वैसे ही मैं उनसे घोर तप करवा के उनकी पहचान उन्हें बताऊंगा। फिर धीरे धीरे देवी आकार होंगी। जय हो, शुभ हो। देवगुरु, देवगुरु, देवी वो वहां मंदिर के पास बैठी है। मैंने जो समझाया है उसे अच्छी तरह से याद रखना। आप इस तरह से विचलित क्यों हो रही है देवी? कोई गलती हुई है मुझसे या आश्रम के लोगों से? बताइए ना देवी। तुमने ज्यादा शोर मचाया और मेरी और देवगुरु की बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे पापा को जान से मार डालेंगे। हमको यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाने दो प्लीज। पर आप तो अपने ही घर आई हैं देवी, यहीं तो आना था आपको। क्यों, आपको ये घर पसंद नहीं आया? हम क्यों पसंद करेंगे इसे जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है। प्लीज हमें घर जाने दो। अंकल, वो आंटी हमें डरा रही है। अरे नहीं तो देवगुरु, हम भला देवी को क्यों डराएंगे? और देवी को कौन डरा सकता है? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं देवी? भावनी, देवी से अभी माफी मांगो। देवी तुमसे किसी बात से नाराज है, अपने घुटनों पर बैठो और देवी से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक है, वरना तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। माफ कर दीजिए देवी, हम तो सिर्फ आपको इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि हम सब भक्त आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप ये आश्रम छोड़कर कहीं भी जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, जब हमको इतना प्यार करती हैं तो हमें घर जाने दीजिए प्लीज। क्षमा कर दीजिए देवी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जाने अनजाने में अगर कोई आपको तकलीफ देगा तो उसके लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं, उसे इस आश्रम से बाहर जाना होगा।
क्षमा कीजिए देवी। आप हमसे माफी मत मांगिए, हमें घर जाने दीजिए। अभी आप आराम कीजिए देवी, फिर हम आपको घर जरूर लेके जाएंगे, ठीक है? हमें भूख लगी है। क्या कर रहे हो तुम? भूल गए कि आश्रम में 4 बजे के बाद कोई भोजन को हाथ नहीं लगाता? तो फिर देवी कैसे खा सकती है? नियम तो नियम है ना देवी, है ना? भामी, आज के बाद देवी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। कल देवी का शुद्धिकरण अनुष्ठान होगा, मतलब कल से देवी का घोर और कठिन तप शुरू होता है, और उसके बाद ये आश्रम एक अवतार का साक्षी बनेगा। जय हो, शुभ हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।